नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी के हाथरस में आज एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रति भानपुर में आयोजित भोले बाबा के सत्संग के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मरने वालों की संख्या 122 और घायलों की संख्या 150 तक पहुँच गई है। इस वजह से पूरे राज्य भर में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की एटा के मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया है। इस हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले से संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का कड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए कहा गया है। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों पर देश के कई बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेता शामिल हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी ने अपने बड़े अधिकारियों को स्थिति पर काबू पाने के लिए घटना स्थल पर जाने का निर्देश दिया है, वहीं राज्य के बड़े नेता लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। वहीं दोस्तों, यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़ मचने से मारे गए लोगों पर सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। वहीं हाथरस के रति भानपुर में सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मचने से बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मरने वालों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उधर दोस्तों, राष्ट्रपति ने भी दुखद ट्वीट किया है और जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 122 मौत होने की पुष्टि दैनिक भास्कर ने की है। इसके अलावा 150 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑप्शन चलाया जा रहा है और घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हादसे की पल पल की खबर ले रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।